हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने डिमांड की थी कि सर एक्टिव और पैसिव वॉइस की वीडियो बनाइए, तो दोस्तों आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे। इसमें सबसे पहले दोस्तों हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि क्या क्या एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं और इसके रूल क्या है एक्टिव को पैसिव में बदलने के। और लास्ट में दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर में अब तक क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हें भी हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों पैसिवेशन होता क्या है। दोस्तों पैसिवेशन कुछ नहीं होता, एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं इसे ही क्या कहते हैं, पैसिवेशन कहते हैं। तो ये इसे पैसिवेशन कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। वॉइस दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। दोस्तों बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊँगा आपको और जो मैं बताऊँगा आपको अच्छे से याद रखना है। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस टॉपिक से आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा दोस्तों, गारंटी है। बस आपको जो जो मैं रूल बताता जाता हूँ वो आपने अच्छे से नोट कर लेने हैं और अच्छे से दिमाग में फिट कर लेने हैं। हो सके दोस्तों आप पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। दोस्तों जो सेंटेंस होता है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, द पियोन ओपन द गेट, द पियोन ओपन द गेट। दोस्तों इसमें क्या है, आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तो पता ही होगा। जो द पियोन है वो यहाँ पे सब्जेक्ट है, ओपन ये हमारी वर्ब है और द गेट ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट कोई काम करता है, जो एक्टिविटी हो रही है, जो भी मतलब एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, वो सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है, तो उस वॉइस को हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। द पियोन ओपन द गेट, जो पियोन है उसने गेट खोला, तो गेट खोलने का काम हुआ यहाँ पे, खोलने का। किसने खोला, पियोन ने, तो यानी सब्जेक्ट ने। जब सब्जेक्ट कोई काम करता है तो वो एक्टिव वॉइस होती है। दोस्तों आपने टेंस तो पढ़े ही होंगे, आज तक आपने जितने भी टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, चाहे वो इंडेफिनेट हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूस हो, जितने भी आपने पढ़े हैं वो सब क्या थे, एक्टिव वॉइस थे। क्यों? क्योंकि उसमें क्या था, जो सब्जेक्ट है वो कोई काम करता था। अब बात करते हैं दोस्तों पैसिव वॉइस क्या होती है। पैसिव वॉइस में क्या है दोस्तों, जैसे ये पियोन ओपन द गेट था, अगर इसे मैं इस टाइप से लिखूँ कि द गेट वॉज ओपनड बाय द पियोन, यानी जो गेट था हमारा वो बन गया अब सब्जेक्ट और जो पियोन था वो बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। जो गेट सब्जेक्ट बन गया और जो पियोन था वो क्या बन गया दोस्तों, ऑब्जेक्ट बन गया और यहाँ पे वर्ब है। अब दोस्तों क्या बन गया था, गेट वाज ओपन बाय द पियोन, इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, गेट है जो वो किसके द्वारा खोला गया, गेट पियोन के द्वारा खोला गया था। तो इसका बन गया दोस्तों, गेट पियोन के द्वारा खोला गया था। यहाँ पे सब्जेक्ट दोस्तों गेट है। अब क्या गेट कोई यहाँ पे काम कर रहा है दोस्तों, गेट के द्वारा कोई काम नहीं हो रहा है, काम किसके द्वारा है, पियोन के द्वारा ही हो रहा है, पियोन ने ही गेट खोला, लेकिन गेट पे उस काम का क्या है, प्रभाव पड़ रहा है। जो पियोन ने गेट खोला, खोलने का प्रभाव किस पे पड़ा, गेट पे, तो गेट पे एक्टिविटी हुई है। तो जब सब्जेक्ट पे एक्टिविटी होती है, यहाँ पे सब्जेक्ट गेट है, जब सब्जेक्ट पे एक्टिविटी होती है, यानी जो भी एक्टिविटी हुई, जो भी एक्शन हुआ, उसका प्रभाव अगर सब्जेक्ट पे पड़ रहा है, फिर तो वो कौन सा वॉइस हुआ दोस्तों, पैसिव। लेकिन अगर सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, फिर वो कौन सा वॉइस होगा दोस्तों, एक्टिव वॉइस होगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्या था, द पियोन ओपन द गेट, पियोन यहाँ पे सब्जेक्ट था, तो पियोन ओपन द गेट यानी पियोन ने गेट खोला, तो पियोन के द्वारा क्या है दोस्तों, काम किया गया, तो एक ऐसा वॉइस है एक्टिव। और यहाँ पे दोस्तों द गेट, गेट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, द गेट वॉज ओपन बाय द पियोन, दोनों का मतलब वही है दोस्तों। यहाँ पे हमने क्या कहा कि पियोन ने गेट खोला, और यहाँ पे क्या कहा कि गेट है जो वो पियोन के द्वारा खोला गया। काम दोनों में किसके द्वारा हो रहा है, पियोन के द्वारा, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट गेट है, गेट के द्वारा काम नहीं हो रहा, बल्कि जो काम है उसका इफेक्ट है जो वो गेट पे पड़ रहा है। तो जब सब्जेक्ट काम करता है, एक्टिव वॉइस, और जब सब्जेक्ट पे उस काम का प्रभाव पड़ता है, तो पैसिव वॉइस। अब आपको दोस्तों एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की पहचान बताता हूँ। जितने भी अब तक आपने टेंस पढ़े वो सब एक्टिव वॉइस थे। पैसिव वॉइस में क्या होता है दोस्तों, जो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, या तो बाय दिखेगा, क्या दिखेगा दोस्तों, बाय, ज़्यादातर में यहाँ पे बाय लगा होगा। और जो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी होती है दोस्तों, थर्ड फॉर्म लगी होती है। अब मैं आपको दोस्तों एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के कुछ रूल्स बताऊँगा। इन्हें समझने के बाद आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस की पहचान आसानी से हो जाएगी। तो इन रूल्स को दोस्तों बहुत ही आसानी से मैं आपको बताऊंगा, आसान भाषा में, और आपको अच्छे तरीके से समझने हैं, क्योंकि सारा खेल दोस्तों इन्हीं रूल्स का है। अगर आपको ये रूल्स अच्छे से समझ में आ गए तो आप इजीली एक्टिव को पैसिव में बदल सकते हो और पैसिव को एक्टिव में बदल सकते हो। बहुत ही इजी रूल है दोस्तों, बहुत ही कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको अच्छे से समझते जाना है। सबसे पहला काम क्या है दोस्तों, यूज़ द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस एज ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट एज
सब्जेक्ट। यानी दोस्तों इसमें क्या कहा गया है, मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। कोई भी अगर हमारे पास ये जैसे ये था एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो तो ऑब्जेक्ट बनाना है, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पे सब्जेक्ट दोस्तों द प्योन था, और यहाँ पे हमने द प्योन को क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या था, द गेट था, तो गेट का हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट। यानी दोस्तों पैसिव वॉइस में अगर हमें किसी को चेंज करना है एक्टिव वॉइस को, तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में बदलने के बाद क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। और जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो सबसे पहला काम दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद सेकेंड क्या है दोस्तों, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में दोस्तों हमेशा कौन सी वर्ब यूज़ होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी पैसिव वॉइस में। जो एक्टिव वॉइस है उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी हो जाती है, लेकिन जो पैसिव वॉइस होगा दोस्तों उसमें आपको याद रखना है सिर्फ कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दूसरा आपको याद रखना है, पहला सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। दूसरा क्या करना है दोस्तों जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगानी है। और उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर है यहाँ पर, पुट प्रीपोजिशन बाय आफ्टर द थर्ड वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी दोस्तों जो भी हम यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे उसके बाद क्या लगाना है, आपने बाय लगाना है, बी वाई बाय, ये वाली प्रीपोजिशन लगानी है। तो तीन काम आपको दोस्तों करने हैं, सबसे पहला सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट को क्या बनाओ, सब्जेक्ट। दूसरा काम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, और तीसरा काम वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाना है, बाय प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। दोस्तों इन तीनों को आप अपने दिमाग में बैठा लो, ये तीन तो लगेंगे ही। अब उसके बाद दोस्तों टेंस, जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैसे चेंज होगी। हेल्पिंग वर्ब दोस्तों टेंस के हिसाब से चेंज होती है। आपने जो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, कंटिन्यूस परफेक्ट, मतलब कंटिन्यूस परफेक्ट सब पढ़े हुए हैं दोस्तों, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई भी सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के किसी भी सेंटेंस को अगर हमने एक्टिव से पैसिव में बदलना है, एक्टिव से पैसिव में बदलना है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली इज एम आर का यूज़ करना है। कौन सी हेल्प वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इज एम आर। मैं आपको दोस्तों एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे रोहन प्लेज फुटबॉल। ये क्या है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का एक एग्जांपल है, रोहन फुटबॉल खेलता है। इसे पैसिव वॉइस में बदलना है, ये एक्टिव है, रोहन फुटबॉल खेलता है, रोहन ने क्या किया दोस्तों, फुटबॉल खेला। तो रोहन क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के द्वारा काम हो रहा है, तो ये क्या है दोस्तों, एक्टिव वॉइस है। इसे पैसिव में बदलना है, तो पैसिव में सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, फुटबॉल यहाँ पे क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है, और रोहन क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। फुटबॉल आएगा दोस्तों सबसे पहले, यहाँ पे क्या आएगा, फुटबॉल। फिर दोस्तों फुटबॉल आ गया, जो रोहन है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा, वो क्या बनेगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट बनेगा। अब आपको बताया था दोस्तों क्या करना है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, तो फुटबॉल। अब यहाँ पे देखो क्या रूल है दोस्तों, इज एम आर का यूज़ होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट में, तो फुटबॉल इज प्लेड, और प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगता है, बाय रोहन, तो क्या बनेगा दोस्तों, फुटबॉल इज प्लेड बाय रोहन, तो ऐसे बन जाएगा। यानी आपको याद रखना है दोस्तों कि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, इज एम आर लगानी है। और दोस्तों अगर यहाँ पे मतलब कंटिन्यूस होगा, क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा, तो कोई भी कंटिन्यूस हो दोस्तों, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो, आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ बींग लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ बींग लगाना है। अब दोस्तों प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता चल गई, इज एम आर। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर। तो अगर हुआ पास्ट इंडेफिनेट तो लगेगा सिंपल वाज वर, अगर हुआ प्रेजेंट इंडेफिनेट तो सिंपल लगेगा इज एम आर। लेकिन दोस्तों अगर प्रेजेंट में भी कंटिन्यूस हुआ और पास्ट में भी क्या हुआ, कंटिन्यूस, तो क्या होगा, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, तो इसके साथ बींग लग जाएगा। और अगर होगा परफेक्ट कंटिन्यूस, तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है वाज वर, तो इसके साथ बींग लग जाएगा। तो दोस्तों अगर होता है इंडेफिनेट में इज एम आर, अगर होता है पास्ट इंडेफिनेट में वाज वर, अगर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में
तो इज एमआर के साथ बींग लगा देंगे, और अगर होता है पास्ट कंटिन्यूस में तो वाज वर के साथ बींग लगा देंगे। तो चारों आपको याद रखने हैं। अब कंटिन्यूस भी हो गया और इंडेफिनेट भी। अब बात करते हैं दोस्तों परफेक्ट की, किसकी? परफेक्ट टेंस की। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे है प्रेजेंट परफेक्ट और यहाँ पे है दोस्तों पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट में क्या आता है दोस्तों? हैज हैव आता है, आपको पता होगा आपने टेंस पढ़े हैं। परफेक्ट में क्या आता है? हैज हैव आता है। प्रेजेंट में हैज हैव और अगर पास्ट हुआ तो हैड आता है। प्रेजेंट में हैज हैव और पास्ट में हैड आता है। तो जब भी हम परफेक्ट वाली किसी भी टेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो पैसिव में बदलेंगे तो इस हैज हैव के बाद बीन लगा देंगे, अगर हैड हुआ तो बीन लगा देंगे। यानी अगर परफेक्ट टेंस होता है दोस्तों तो उसे जब हम पैसिव में बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन लग जाएगा। हैज हैव होगा तो हैज हैव बीन, हैड होगा तो हैड बीन यहाँ पे लग जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो दोस्तों अगर हुआ फ्यूचर इंडेफिनेट, क्या हुआ फ्यूचर इंडेफिनेट? फ्यूचर इंडेफिनेट में क्या आएगा दोस्तों? विल शैल के साथ बी लग जाएगा। आपको पता है दोस्तों फ्यूचर टेंस में विल और शैल का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है दोस्तों? विल और शैल का। तो जब इसे हम एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो विल शैल के बाद आपको सिंपली क्या लगा देना है? बी लगा देना है, विल बी या फिर शैल बी। और अगर हुआ दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, तो परफेक्ट में दोस्तों क्या लगेगा? बीन लगेगा, अभी आपको बताया था। अब जो परफेक्ट होता है दोस्तों फ्यूचर में, उसमें या तो विल लगता है, मतलब विल हैव लगता है, या क्या लगता है दोस्तों? शैल हैव लगता है। अगर सिंपल क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। तो अगर हम इसे दोस्तों उसमें बदलेंगे, एक्टिव से किस में बदलेंगे? पैसिव में। तो आपको सिंपली विल हैव हुआ तो विल हैव के बाद बीन लगा देना है, विल हैव बीन बन जाएगा। शैल हैव हुआ तो शैल हैव के बाद बीन लगा देना है, शैल हैव बीन बन जाएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट में यह काम करना है। अब दोस्तों आपने एक बात नोट की होगी, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? प्रेजेंट इंडेफिनेट भी पढ़ा, और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट भी पढ़ा, और यहाँ पे दोस्तों नीचे फ्यूचर इंडेफिनेट भी पढ़ा। यानी इंडेफिनेट हमने तीनों में पढ़े। यहाँ पे दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा, पास्ट कंटिन्यूस पढ़ा, लेकिन दोस्तों फ्यूचर में कंटिन्यूस टेंस होता है जो, उसका क्या नहीं होता? फ्यूचर में कंटिन्यूस जो टेंस है उसको हम किस में यूज़ नहीं करते? पैसिव, उसकी फॉर्म को यूज़ नहीं करते। और यहाँ पे दोस्तों हमने क्या पढ़ा? परफेक्ट तो तीनों के पढ़ लिए, कंटिन्यूस हमने परफेक्ट कंटिन्यूस किसी का नहीं पढ़ा। तो किसी भी टेंस का जो परफेक्ट कंटिन्यूस है, ना तो उसको दोस्तों पैसिव फॉर्म में यूज़ किया जाता है यहाँ पे लिखा है, और ना ही फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को पैसिव वॉइस में, मतलब वो पैसिव वॉइस में इसको यूज़ किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो जितने भी दोस्तों मैंने आपको ये रूल बताए हैं टेंस के, ये आपको दिमाग में बिठा लेने हैं, क्योंकि इन्हीं रूल की मदद से आप क्वेश्चन को बना पाओगे। अब इसके बाद दोस्तों एक बात और आपको क्या याद रखनी है, यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर हम आई का सब, मतलब मैं हूँ उस, अगर मैं सब्जेक्ट हुआ तो मैं आई लिखता हूँ, और अगर मैं अपने आप को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करता हूँ तो वहाँ पे मी लिखता हूँ। तो आई अगर सब्जेक्ट के रूप में हुआ तो आई, ऑब्जेक्ट में हुआ तो मी लिखेंगे। सिमिलरली दोस्तों वी का जो, वी अगर सब्जेक्ट में होता है तो वी लिखते हैं, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। यू का सब्जेक्टिव केस यू, और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। दे सब्जेक्टिव केस है, इसका देम बनेगा ऑब्जेक्टिव केस। ही का दोस्तों हिम बनता है ऑब्जेक्ट में, शी का हर बनता है, हु का बाय हुम बनता है। तो जितने भी हैं दोस्तों सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस आपको ध्यान में रखने हैं। इनका भी जो पैसिव बनाने में, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो इनका भी यहाँ पे यूज़ होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, एक तो मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। दूसरा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगेगा, और फिर मैंने जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैसी आएगी टेंस के अकॉर्डिंग, ये भी आपको बता दिया। और फिर आपको क्या बताया दोस्तों कि जो सब्जेक्ट होगा जब वो ऑब्जेक्ट में जाएगा तो कौन सी, मतलब किस चीज़ में चेंज हो जाएगा? आई मी में, वी अस में, यू का तो यू ही रहेगा, दे देम में, ही हिम में, शी हर में, और हु बाय हुम में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, कई बार क्या होता है किसी जो सेंटेंस होता है, वर्ब होता है, उसमें दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। कितने ऑब्जेक्ट आ जाते हैं दोस्तों? दो। यहाँ पे देखो दोस्तों, शी गेव देम ए बुक, शी गेव देम ए बुक, इसका दोस्तों ये भी बन सकता है शी गेव ए बुक, ये शी गेव देम। तो यहाँ पे दोस्तों दो ऑब्जेक्ट आए हैं, देम और ए बुक। तो इसको जब हम पैसिव में बदलते हैं इसके दो तरीके होते हैं। या तो हम क्या करेंगे दोस्तों, या तो ए बुक को ऑब्जेक्ट मानेंगे तो ए बुक यहाँ पे आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ए बुक वाज गिवन टू देम बाय हर यहाँ पे आ जाएगा। या फिर दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो देम है इसे ऑब्जेक्ट मान लेंगे, इसे ऑब्जेक्ट मानेंगे तो ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा दे, क्योंकि अभी आपको बताया दोस्तों दे का जो ऑब्जेक्ट में यूज़ करते हैं तो देम आता है, और सब्जेक्ट में यूज़ करते हैं तो दे। तो यहाँ पे दे आएगा, दे वर गिवन ए बुक बाय हर, तो यहाँ पे बुक यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर
किसी भी वर्ब में दो ऑब्जेक्ट हुए किसी भी सेंटेंस में, तो उसको पैसिव में बदलने के दो तरीके होते हैं। आपके पास इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी दोनों नहीं होंगे, कोई एक होगा, तो आपको ध्यान में रखना है। अगर दोस्तों मॉडल हुई, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हुई, उसे अगर हम पैसिव में बदलेंगे तो जैसे ये है ही मे डिफीट यू, तो मॉडल ऑक्सिलरी के बाद क्या लगेगा दोस्तों, बी लग जाएगा। यहाँ पे ही मे के बाद क्या आएगा, ही मे बी, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। डिफीट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो डिफीटेड होती है, तो ही मे बी डिफीटेड। यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे यू सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट भी बनाना है, यहाँ पे यू आगे आएगा, ही का क्या बनेगा, हीज बनेगा, लास्ट में आएगा, तो यू मे बी डिफीटेड बाय हिम आ जाएगा, हिम आएगा दोस्तों, यहाँ पे हिज नहीं आएगा, यू मे बी डिफीटेड बाय हिम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों क्या बनेगा, यू मे बी डिफीटेड बाय हिम, जो यू था वो सब्जेक्ट बन गया, जो ही का हिम बनेगा दोस्तों यहाँ पे देखो, और शी का हिज बन हर बनता है, तो ही का क्या बन गया दोस्तों, हिम, डिफीटेड थर्ड फॉर्म आ गया, यहाँ पे बाय लग गया, और मे के बाद क्या लग गया, बी, क्योंकि जो कोई भी मॉडल हो दोस्तों, मस्ट हुआ तो मस्ट बी, और कुड हुआ तो कुड बी, कैन हुआ तो कैन बी, मॉडल के बाद हमेशा बी लगेगा जब हम एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। उसके बाद है दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है व्हाई आर यू डूइंग दिस, आप ये क्यों कर रहे हो, तो इसमें दोस्तों जो भी क्वेश्चन यहाँ पे WH फैमिली होगी, या जो भी यहाँ पे कोई भी अगर क्वेश्चन वर्ड होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब हुई जैसे इज एम आर या डू डज, वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, वाई आर यू डूइंग दिस, तो वाई तो एज इट इज़ आ जाएगा। अगर हम दोस्तों इसे वाई आर यू डूइंग दिस को, अगर वाई तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया, आर यू डूइंग दिस को मैं अगर इसको सिंपल में बनाऊँ, यानी इंटरोगेटिव से सिंपल में बनाऊँ, तो क्या बनेगा, यू आर डूइंग दिस, क्या बनेगा, यू आर डूइंग दिस बनेगा, किसका, आर यू डूइंग दिस का। तो अभी आप देखो दोस्तों ये सिंपल बन गया, अब इसको आपने पैसिव में बदलना है, तो क्या आएगा दोस्तों, यू क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा, दिस क्या है दोस्तों यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों दिस, यहाँ पे आएगा दिस, और यहाँ पे आर डूइंग है, आर डूइंग है, यानी दोस्तों आर डूइंग किस में आता है, ये है दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों दिस, अब दिस के साथ दोस्तों आर तो लगेगा नहीं, इज लगेगा, दिस इज लगेगा, और दोस्तों यहाँ पे डूइंग है, तो डूइंग में मैंने आपको बताया था क्या लगेगा, बींग लगेगा, क्या लगेगा, बींग, जब भी ing वाला कोई भी आ जाता है कंटिन्यूस, तो उसमें बींग लगता है, तो दिस इज बींग, और डूइंग की थर्ड फॉर्म बनेगी डन, दिस इज बींग डन बाय के बाद क्या लगेगा, यू लगेगा, बाय के बाद क्या लगेगा, यू, तो दिस इज बींग डन बाय यू, तो यहाँ पे दोस्तों दिस इज बींग डन बाय यू आ गया। अब सिंपली जैसे हमने आर यू डूइंग दिस का यू आर डूइंग दिस बनाया था, यानी इंटरोगेटिव का क्या बनाया था हमने, सिंपल बनाया था। अब दोस्तों यहाँ पे जो सिंपल हमारा बना है उसका इंटरोगेटिव बनाएंगे, इज को हम आगे लिख देंगे, तो वाई इज दिस बींग डन बाय यू। तो इस प्रकार आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हो किसी भी इंटरोगेटिव का। जब हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों वहाँ पे आपको समझाऊंगा मैं अच्छे से कि किस प्रकार आपको क्वेश्चन बनाना है। अगर दोस्तों आपके पास इंपरेटिव सेंटेंस आए, कैसा इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस जो दोस्तों ऐसे होते हैं जैसे एक गिलास पानी लाओ या लोगों की मदद करो, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखो दोस्तों एग्जाम्पल लिया हुआ है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो दोस्तों ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सिंपली इसके आगे क्या लगा देंगे, लेट लगा देंगे, तो लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रोट, और उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्या है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ए ग्लास यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, फिर यहाँ पे दोस्तों बी लगाएंगे, बी, और ब्रिंग का क्या बनेगा दोस्तों, थर्ड फॉर्म ब्रोट बनेगा, तो लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रोड, तो यहाँ पे लेट लगा देंगे। या फिर हम दोस्तों क्या करेंगे, हेल्प द पुअर, कुछ ऐसी ऐसे इंपेरेटिव होते हैं दोस्तों जो नेसेसरी होते हैं, यानी हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के आगे शुड बी लगा के फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, हेल्प द पुअर, तो यहाँ पे द पुअर सब्जेक्ट है, शुड बी लगा दिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, तो इस प्रकार भी हम इंपेरेटिव को, जो भी इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे उनको एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। या फिर दोस्तों यहाँ पे और भी लिखे हुए हैं, अगर कोई इंपेरेटिव सेंटेंस प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट होता है, प्लीज़ या काइंडली से, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, सबसे आगे यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाएंगे, और बाकी एज इट इज लिख देंगे। जैसे प्लीज़ सिट डाउन, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहाँ पे लिख देंगे सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन,
काइंडली रिमिट मई फीस, काइंडली रिमिट मई फीस, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू रिमिट मई फीस, यानी प्लीज़ और काइंडली वाले में क्या करेंगे दोस्तों, प्लीज़ और काइंडली की जगह क्या लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी जो भी पीछे होगा उसको एज इट इज लिख देंगे। तो इंपेरेटिव को हम पैसिव में इस प्रकार बदलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक कंसेप्ट था, इसको आप अच्छे से एक बार और मतलब दिमाग में बिठा लेना। अगर आपको ये बेसिक कंसेप्ट याद हो गया फिर आपका एक भी क्वेश्चन सोल्व मतलब एक भी क्वेश्चन है जो वो गलत नहीं होगा, आप सभी क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अब दोस्तों हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन आंसर की, क्योंकि जब आप क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करोगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको दोस्तों वहाँ पे जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे बनाना है, देखो मैं आपके सामने यहाँ पे करके दिखाता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पैसिव वॉइस बनाना है किसका, शी ऑफर्ड देम ए शीट, शी ऑफर्ड देम ए शीट। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता चल गया कि ये एक्टिव वॉइस है, क्योंकि हम इन क्योंकि क्वेश्चन में क्या बताया है कि इसे पैसिव में बदलो, तो ये एक्टिव है। शी क्या है दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्ट है तो आपको सब्जेक्ट भी मिल गया, ऑफर्ड यहाँ पे आपको वर्ब भी मिल गई, देम ए शीट। अब दोस्तों यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, देम और ए शीट, तो आप दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था अगर दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो आप इन इन दोनों में से किसी को भी क्या लिख सकते हो, सब्जेक्ट ले सकते हो जब पैसिव में बदलोगे। तो देम का बनेगा दे, या तो दे आएगा दोस्तों सब्जेक्ट में, और ए शीट करेंगे तो इसका ए शीट ही आएगा, या फिर आएगा ए शीट सब्जेक्ट में। अब दोस्तों यहाँ पे दे है, यहाँ पे दे है, यहाँ पे ए शीट है, यहाँ पे ए शीट है, तो ठीक है सब्जेक्ट तो यहाँ पे ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमने सब्जेक्ट तो ले लिया, अगर हम दे लेंगे, अब यहाँ पे देखो दोस्तों दे ऑफर्ड, शी ऑफर्ड देम ए शीट है, शी ऑफर्ड, ऑफर्ड क्या है दोस्तों, सेकंड फॉर्म होती है, क्या है सेकंड फॉर्म है, यानी ये पास्ट टेंस है दोस्तों, कैसा टेंस है पास्ट। तो अभी आपने पढ़ा था अगर कोई पास्ट इंडेफिनेट टेंस होगा, ये पास्ट इंडेफिनेट है, तो उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी दोस्तों, वाज या वर आती है, क्या आती है दोस्तों, वाज या वर आती है। अब आप देखो दोस्तों यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे इज है, तो ये तीनों तो होंगे नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यहाँ पे वाज आया है, तो ए शीट वाज। उसके बाद दोस्तों क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ऑफर्ड है, तो ऑफर्ड टू, और जो हमने शीट तो ले लिया लेकिन बचा क्या दोस्तों, देम बचा, तो ऑफर्ड टू देम, और जो ये शी था दोस्तों, शी शी का क्या बनता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव केस हर बनता है, तो ए शीट वाज ऑफर्ड टू देम बाय हर, बाय लग के जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा, यहाँ पे शी था तो इसको ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, तो ए शीट वाज ऑफर्ड टू देम बाय हर। तो इस प्रकार दोस्तों आपको क्वेश्चन बनाना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप एक बार पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को किस प्रकार अटेम्प्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दोस्तों पैसिव वॉइस बताना है किसका, थॉम्स फीड्स द डॉग, थॉम्स फीड्स द डॉग। तो दोस्तों ये फीड्स है, आपको पता चल रहा होगा दोस्तों एस ई एस वर्ब के साथ एस ई एस लगा है, तो यानी कि दोस्तों ये कौन सा हमारा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में दोस्तों जब भी हम किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलते हैं तो क्या आती है हेल्पिंग वर्ब, या तो इज आता है, या एम आती है, या फिर आर, इज एम आर आता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे इज है, यहाँ पे इज है, लेकिन पहले ऑप्शन में वाज है ये भी नहीं होगा, और इसमें भी वाज है ये भी नहीं होगा, तो आपको पता चल रहा है दोस्तों यहाँ पे बी और डी में से कोई एक हमारा सही है। अब देखते हैं इनमें से कौन सा सही है दोस्तों, जो द डॉग है ये ऑब्जेक्ट था तो ये सब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पे भी द डॉग है, यहाँ पे भी द डॉग है, सही है। जो थॉमस है दोस्तों, थॉमस ये हमारा सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पे दोस्तों थॉमस है, लेकिन यहाँ पे हिम आ गया दोस्तों, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा जो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब फीड का दोस्तों थर्ड फॉर्म फेड है, और बाय भी लगा हुआ है, तो क्या बनेगा, द डॉग इज फेड बाय थॉमस, द डॉग इज फेड बाय थॉमस, तो इसका क्या होगा दोस्तों, पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपको क्वेश्चन बनाने हैं, सबसे पहले आपको देखना है कौन सा नहीं होगा, तो उसे यहाँ पे कट करते जाना है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है दोस्तों, एक्टिव वॉइस बताना है आपको किसका, सम एडवाइस विल बी गिवन टू यू बाय द डॉक्टर, एक्टिव वॉइस बताना है दोस्तों आपकी बार, यानी जो ये सेंटेंस दिया हुआ है ये पैसिव वॉइस में है, इसका एक्टिव बताना है। तो देखो दोस्तों, सम एडवाइस विल बी गिवन टू यू बाय द डॉक्टर, तो यहाँ पे जो बाय द डॉक्टर है इसका मतलब दोस्तों ये हमारा सब्जेक्ट होगा, किसमें, एक्टिव में, तो द डॉक्टर इसमें आया हुआ है दोस्तों, द डॉक्टर इसमें सिर्फ डॉक्टर है, लेकिन फिर भी दोस्तों हम आगे चेक करेंगे, तो द डॉक्टर इसमें आया है। उसके बाद दोस्तों सम एडवाइस, सम एडवाइस, तो सम एडवाइस हमारा लास्ट में आना चाहिए, तो इसमें लास्ट में है, इनमें भी दोस्तों लास्ट में है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, विल बी गिवन आया है, विल बी गिवन, यानी विल के बाद बी लगा है, और दोस्तों विल से आपको दिमाग में आ रहा होगा ये हमारा जो विल है वो किस टेंस में आता है, हमारा फ्यूचर टेंस में आता है, किस में, फ्यूचर टेंस में। और फ्यूचर में दोस्तों हमने एक तो इंडेफिनेट पढ़ा था और एक परफेक्ट पढ़ा था, इंडेफिनेट और परफेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे देखो,
इंडेफिनेट में ही क्या बनता है दोस्तों, विल के साथ बी लगता है, जो फ्यूचर इंडेफिनेट है उसमें विल के साथ बी लगता है, यानी जो भी हमारा एक्टिव वॉइस होगा उसमें विल आया होगा। तो दोस्तों विल तो सिर्फ इसमें आया है, इसमें हैड आया है तो ये तो होगा नहीं, इसमें हैज़ आया है ये भी नहीं होगा, इसमें शैल आया है तो शैल नहीं आएगा दोस्तों, विल आएगा तो ये भी नहीं होगा। तो क्या बनेगा दोस्तों, द डॉक्टर विल गिव यू सम एडवाइस, द डॉक्टर विल गिव यू सम एडवाइस, तो ये हमारा दोस्तों एक्टिव वॉइस बनेगा ऑप्शन ए वाला। अगर इसे दोबारा से आप पैसिव में बदलोगे तो सम एडवाइस विल बी गिवन टू यू बाय द डॉक्टर, तो इसका क्या बनेगा दोस्तों, उल्टा करेंगे एक्टिव का पैसिव बन जाएगा, तो ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, दे वर कॉलिंग अस, दे वर कॉलिंग अस, वे हमें बुला रहे थे। तो दोस्तों ये क्या है, हमारा वर्ब भी आया हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या होगा पास्ट, और आईएनजी आया है यानी कि पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस। तो दोस्तों कंटिन्यूस से आपको बस एक बात ध्यान में रखनी है, जहाँ पे भी कंटिन्यूस आईएनजी वाला आ गया तो उसके परफेक्ट में, मतलब उसके जो पैसिव वॉइस में बीइंग आना चाहिए। जहाँ पे भी दोस्तों आईएनजी आ गया, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस हो, उसमें जब उस मतलब एक्टिव को पैसिव में बदलेंगे तो बीइंग आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें भी बीइंग नहीं है, इसमें भी बीइंग नहीं है, इसमें भी बीइंग नहीं है, सिर्फ ऑप्शन सी में बीइंग आया हुआ है, वी वर बीइंग कॉल्ड बाय देम, तो दे वर कॉल्ड अस, तो अस का वी यहाँ पे बन गया, दे का देम यहाँ पे सब ऑब्जेक्ट है, तो वर कॉलिंग का क्या बनेगा, वर बीइंग कॉल्ड बाय देम, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे दोस्तों अगर आपको रूल याद हुए कि किसका क्या आता है तो आप सिंपली ऑप्शन देख के भी अपना जो आंसर है वो टिक कर सकते हो, बिल्कुल सही। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फाइव, तो क्वेश्चन नंबर फाइव में देखो क्या होगा, एक्टिव वॉइस बताना है दोस्तों इस सेंटेंस का, यानी ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, वाटर कुड बी थ्रोन बाय हर, वाटर कुड बी थ्रोन बाय हर, तो दोस्तों कुड बी आया है, जब भी कोई मोड वाला होता है तो उसके पीछे बी लग जाता है अगर उसे हम पैसिव में बदलते हैं, तो अगर इसे एक्टिव में बदलेंगे तो मतलब बी हट जाएगा, सिंपल कुड आएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कुड किस में है, सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो ना तो ये है ना ये है ना ये है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप सिर्फ ये देख के कि कहाँ पे क्या लगता है, रूल्स को याद रख के आसानी से जो सही ऑप्शन है वो चूज कर सकते हो, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, शी कुड थ्रो वाटर। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें बताना यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो दोस्तों द बुक इज बींग डैश बाय मी, द बुक इज बींग, बींग आ गया दोस्तों, इज बींग यानी ये पैसिव फॉर्म है दोस्तों, कैसी फॉर्म है ये, पैसिव फॉर्म है ये। तो इस पैसिव फॉर्म में दोस्तों आपको पता है जो वर्ब आती है वो थर्ड फॉर्म होती है, पैसिव फॉर्म में जो भी वर्ब होती है वो थर्ड फॉर्म होती है, आपको मैंने बताया था। तो दोस्तों यहाँ पे रीडिंग तो नहीं है थर्ड फॉर्म, रीड्स भी नहीं है, डू रीड भी नहीं है, जो रीड रेड रेड, रीड रेड रेड, तो रेड है दोस्तों ये क्या है, रीड की थर्ड फॉर्म है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पे क्या आएगा, रेड आएगा, द बुक इज बींग रेड बाई मी। दोस्तों स्पेलिंग तो आर ई ए डी रहता है लेकिन रीड रेड रेड बोलते हैं इसको, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में कैसी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑप्शन ए क्या है, हमारा थर्ड फॉर्म है, तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, लक्की ड्रो डैश बी वन बाय हिम, लक्की ड्रो डैश बी वन बाय हिम, तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा। दोस्तों यहाँ पे बी किसके साथ लगता है, जब कोई मॉडल होता है, यानी कि सिंपल, या फिर आपने पढ़ा दोस्तों जो फ्यूचर परफेक्ट है उसमें क्या आता है, विल, विल के साथ क्या लगता है, बी लगता है, तो विल हैव भी नहीं होगा, शैल हैव भी नहीं होगा, और शैल भी नहीं होगा, तो विल के बाद बी लगता है, तो विल बी वन बाय हिम आ जाएगा, क्या आएगा दोस्तों, विल बी वन बाय हिम, क्योंकि ये क्या है, ये भी पैसिव फॉर्म है, तो पैसिव फॉर्म में बी किसके बाद लगता है, विल के बाद, तो विल बी वन बाय हिम, या फिर किसके बाद लगता है दोस्तों, कोई मोडाल होता है उसके बाद भी क्या लगता है, बी लगता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन एट देखते हैं, क्वेश्चन एट क्या है, स्टोन डैश बींग थ्रोन बाय हिम यस्टरडे, स्टोन डैश बींग थ्रोन बाय हिम यस्टरडे, तो दोस्तों ये भी क्या है, हमारी पैसिव फॉर्म है, क्या है, पैसिव फॉर्म है, और कैसे कैसे टेंस की दोस्तों, एक मतलब क्या यहाँ पे बीइंग आया है, यानी कंटिन्यूस टेंस की, किसी कंटिन्यूस टेंस की क्या है दोस्तों, ये पैसिव फॉर्म है। अब दोस्तों वो कंटिन्यूस क्या हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है, प्रेजेंट और पास्ट दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब आपको पता है दोस्तों चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो चाहे वो परफेक्ट सॉरी मतलब पास्ट कंटिन्यूस हो, यहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, प्रेजेंट की होती है दोस्तों इज एम आर, और पास्ट की होती है वाज वर, तो यहाँ पे वाज है यहाँ पे इज है, यानी इन दोनों में से कोई एक होगा, तो ना तो हैज़ होगा ना ही क्या होगा दोस्तों वर होगा, सॉरी वर तो हो सकता है दोस्तों, हैज़ नहीं होगा, क्या नहीं होगा, हैज़ नहीं होगा, क्योंकि वाज वर या फिर इज एम आर हो सकता है, तो इन दोनों, इन तीनों में से दोस्तों कोई ना कोई एक आंसर है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे यस्टरडे लिखा है,
यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। तो यानी दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये किस में, पास्ट में है, तो इज भी नहीं होगा दोस्तों क्योंकि इज तो प्रेजेंट की होती है। अब दोस्तों वाज और वर में से कोई एक आएगा आपको पता है। अब यहाँ पे दोस्तों ए स्टोन, ए स्टोन क्या है दोस्तों, एक सिंगुलर है, ए लगा है तो आप यहीं से पता चल रहा है कि एक सिंगुलर है। तो इन दोनों में से सिंगुलर वर्ब होती है वाज, वर तो दोस्तों प्लूरल वर्ब होती है, तो क्या लगेगा यहाँ पे, ऑप्शन ए हो जाएगा वाज। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख के कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा आप अपना आंसर यहाँ पे निकाल सकते हो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा वाज, स्टोन वाज बींग थ्रोन बाय हिम यस्टरडे। तो वाज यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों ये रहा आपके सामने, द मैच हैज डैश अबंडेंट ड्यू टू रेन, द मैच हैज डैश अबंडेंट ड्यू टू रेन। तो इसमें बताना है दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों आपने पढ़ा होगा, देखो ये क्या है हमारा पैसिव फॉर्म है, क्या है पैसिव फॉर्म में दिया होगा, दिया हुआ है। तो हैज हो चाहे हैड हो चाहे हैव हो, जब हम पैसिव में बदलते हैं तो उसके बाद बीन आता है। मैंने आपको बताया था चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट में दोस्तों हैज हैव आता है तो उसके बाद बीन लगता है, और पास्ट परफेक्ट को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हैड बीन आता है। तो हैज के साथ यहाँ पे दोस्तों बीन लगेगा तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पे भी दोस्तों हैज हैड या हैव दिख जाए और पैसिव में हो तो उसके बाद बीन लगा देना आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों, द मैंगो इज डैश इटन बाय द टॉयज, द मैंगो इज डैश इटन बाय द टॉयज। दोस्तों यहाँ पे देखो द मैंगो इज, यहाँ पे दोस्तों इज या तो अकेला आता है या फिर इज के बाद क्या आएगा दोस्तों, बींग आएगा, या तो इज एम आर अकेले आते हैं दोस्तों अगर कैसा हुआ इनडेफिनेट होता है, और अगर कंटिन्यूस होता है तो इज एम आर के साथ क्या लगता है, बींग लगता है। तो इसका मतलब दोस्तों ना तो बी होगा ना ही बीन होगा, इन दोनों में से कोई नहीं होगा, या तो होगा दोस्तों बींग आएगा या फिर नन ऑफ दीज। अब दोस्तों नन ऑफ दीज हम तब लगाते हैं जब तीनों में से कोई ना हो, लेकिन अभी बींग यहाँ पे आ सकता है, अगर हम बींग ना भी रखें तो भी सही हो जाएगा, लेकिन अगर बींग ऑप्शन में ना होता तब हम क्या लगाते हैं, नन ऑफ दीज लगाते, लेकिन बींग ऑप्शन में है तो नन ऑफ दीज का मतलब तो ये हुआ दोस्तों इनमें से कोई नहीं, तो बींग यहाँ पे आ सकता है, तो द मैंगो इज बींग इटन बाय द बॉयज हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे बींग की जगह कुछ और होता, अगर बींग की जगह यहाँ पे दोस्तों कुछ और होता तो यहाँ पे क्या होता दोस्तों, नन ऑफ दीज हो जाता। तो अभी यहाँ पे बींग दिया हुआ है तो बींग आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब हम जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है उसे हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस का कोई एक्टिव वॉइस है उसे पैसिव में बदलेंगे तो इज एम आर के साथ बींग आता है, तो इज एम आर के साथ यहाँ पे बींग आएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये बात दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है कि अगर यहाँ पे बींग ना होता तो यहाँ पे नन ऑफ दीज आ जाता, क्योंकि फिर हम इसे क्या मान के चलते, प्रेजेंट इंडेफिनेट का मान के चलते, कंटिन्यूस का नहीं मानते, फिर यहाँ पे द मैंगो इज ईटन बाय द बॉयज आ जाता। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों जूली आंसर्ड द क्वेश्चन, द क्वेश्चन डैश आंसर्ड बाय द जूली, यानी दोस्तों ये एक्टिव है ये पैसिव आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों जूली आंसर्ड द क्वेश्चन, आंसर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है दोस्तों, कौन सी लगी है, सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म का मतलब दोस्तों पास्ट टेंस है। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, पास्ट वर्ब आएगी, यानी कि पास्ट वर्ब कौन सी होती है, वाज वर होती है। तो यहाँ पे दोस्तों आर नहीं आएगी, हैव बीन नहीं आएगी, वर आएगी, क्या आएगी दोस्तों, वर आएगी। वर क्यों आएगी दोस्तों, वैसे तो वाज और वर में से कोई एक आनी थी, वाज ऑप्शन में नहीं है, और वैसे भी दोस्तों आप देख सकते हो क्वेश्चंस हैं प्लूरल है, तो वर आएगी क्योंकि वर क्या है, प्लूरल वर्ब होती है, तो वर यहाँ पे आ जाएगी। तो क्वेश्चंस वर आंसर्ड बाय द जूली, तो ऑप्शन सी दोस्तों आपका 11th का बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों, यहाँ पे द गार्डनर हैज़ प्लांटेड सम ट्रीज, द गार्डनर हैज़ प्लांटेड सम ट्रीज। तो दोस्तों ये हैज़ प्लांटेड है, यानी कि यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये प्रेजेंट कौन सा है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो हैज़ प्लांटेड है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में दोस्तों अभी आपको बताया था जहाँ भी हैज़ आ जाए उसके बाद बीन लगाना है, तो हैज़ के साथ क्या लगेगा, बीन लगेगा। लेकिन दोस्तों हैज़ के साथ बीन तो यहाँ पे है नहीं, तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो यहाँ पे सम ट्रीज़ है, ट्रीज़ यानी कि प्लूरल है, जब प्लूरल होता है तब हैव बीन लगता है, और जब सिंगुलर होता है तब हैज़ बीन लगता है। तो यहाँ पे सम ट्रीज़ बन गया, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, तो ट्रीज़ का सम ट्रीज़ यहाँ पे आगे आ गया, ये प्लूरल है, तो प्लूरल में दोस्तों हैव बीन लगता है, और अगर सिंगुलर होता तो हैज़ बीन, तो हैव बीन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ना तो हैड बीन आएगा ना आर आएगा ना वर, तो ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन आपको करने हैं। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं समवन इज रिपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट, समवन इज रिपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट, इज रिपेयरिंग
इज रिपेयरिंग, रिपेयरिंग आईएनजी आ गया दोस्तों, तो कौन सा टेंस हुआ कंटिन्यूस, और इज आया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया दोस्तों, कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में दोस्तों कोई भी कंटिन्यूस हो आईएनजी उसके साथ बींग लगता है, तो बींग यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, यानी ऑप्शन डी और ऑप्शन सी तो कट हो गए क्योंकि बींग लगेगा। और दोस्तों यहाँ पे इज है तो इज बींग आएगा क्योंकि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के साथ बींग आएगा, अगर यहाँ पे दोस्तों वाज होता तो वाज बींग आता, तो द इंस्ट्रूमेंट इज बींग रिपेयर्ड, इज बींग रिपेयर्ड ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों आई लव एप्पल्स, आई लव एप्पल्स, मुझे एप्पल्स पसंद है, तो आई लव एप्पल्स तो कौन सी फॉर्म है दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये कौन सा टेंस है दोस्तों, प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में दोस्तों क्या आएगा, जब प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक्टिव होता है उसे पैसिव में बदलते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आती है दोस्तों इज एम आर, इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है दोस्तों, इज एम आर में से कोई एक आएगी, तो दोस्तों हैव बीन कट गया, वर कट गया, इज और एम आर में से कोई एक आएगी। अब यहाँ पे दोस्तों एप्पल्स हैं, क्या है एप्पल्स, तो एप्पल्स क्या है प्लूरल है तो इज तो आएगी नहीं दोस्तों, ये तो सिंगुलर वर्ब होती है तो एप्पल के साथ लगेगा आर, तो एप्पल्स आर लव्ड बाय मी, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एप्पल्स आर लव्ड बाय मी, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों, द टीम हैड वन द गेम, जो टीम है वो गेम जीत चुकी है, हैड वन आ गया दोस्तों, जीत चुकी थी, तो हैड वन ये दोस्तों प्रेजेंट सॉरी पास्ट और कौन सा परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो हैड आ गया दोस्तों, अभी अभी आपको बताया था हैज आ जाए, हैड आ जाए या फिर हैव आ जाए उसके साथ बीन लगता है, तो हैड के साथ बीन लगेगा सिंपली, द गेम हैड बीन वन बाय द टीम, तो ऑप्शन है यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा, हैज नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन ये आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रूल्स हैं दोस्तों आपको याद रखने हैं, हैड के साथ बीन, हैज के साथ बीन, हैव के साथ बीन, और आईएनजी अगर आ गया कहीं पे कंटिन्यूस तो वहाँ पे बींग आएगा, बी आई बी ई आई एन जी, ये रूल्स आपको याद रखने हैं दोस्तों, जैसे ही ऑप्शन में आपको मिलता है तो आपको टिक कर देना है। अब दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हो गए, अब जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक उन्हें हम सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों ये 2022 में आया था, तो क्या है क्वेश्चन यहाँ पे देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, द टीचर हैज टोट दिस लेसन, द टीचर हैज टोट दिस लेसन, हैज टोट, हैज टोट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोस्तों, कौन सा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट, तो हैज टोट है तो हैज बीन आएगा दोस्तों अगर इसे पैसिव में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बताना है पैसिव वॉइस बतानी है, तो हैज बीन किस में आया दोस्तों, इसमें हैज बीन, हैज बीन तो इसमें तो आया नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा, और इसमें हैड बीन आया है तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी दोस्तों बी और सी में से कोई एक हमारा सही है। अब दोस्तों द टीचर है, क्या है द टीचर, तो द टीचर का तो क्या बनेगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट है, और दिस लेसन ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनेगा, तो दिस लेसन आगे आएगा इसमें, और द टीचर पीछे जाएगा तो इसमें बी में है दोस्तों, दिस लेसन हैज बीन टोट बाय लगेगा द टीचर, तो ऑप्शन भी दोस्तों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार दोस्तों आप 5 सेकंड में क्वेश्चन को कर सकते हो, तो ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये दोस्तों 2021 में क्वेश्चन आपका आया था, तो इसमें क्या बताना है दोस्तों, इसको एक्टिव वॉइस है इसको पैसिव में बदलना है, कैन अनिल लोज हिज बुक, कैन अनिल लोज हिज बुक, तो दोस्तों यहाँ पे देखो कैन आ गया, क्या आ गया कैन मॉडल, और क्या क्वेश्चन मार्क है, तो कैन का तो दोस्तों कैन आगे आएगा ही, कैन का तो कैन यहाँ पे आएगा ही, यहाँ पे दोस्तों क्या है हिज दे ये तो होगा नहीं, यहाँ पे हिज ये भी नहीं होगा, कैन दोस्तों आप देख सकते हो सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो यहीं से आप लगा सकते हो कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, लेकिन हम आगे भी चेक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखो अनिल लोज हिज बुक, अनिल लोज हिज बुक, तो हिज बुक, हिज बुक दोस्तों आगे आएगी, ये क्या बनेगा हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है, तो हिज बुक, और यहाँ पे क्या है लोज है सेकंड फॉर्म है, क्या है दोस्तों लोज है, तो लोज, और यहाँ पे कैन आया है, कैन आया है तो आपको पता है मोडल के साथ बी लगता है, तो कैन हिज बुक बी आ जाएगा, कैन हिज बुक बी, और लोज की थर्ड फॉर्म होती है लोस्ट, लोज की थर्ड फॉर्म होती है लोस्ट, तो कैन हिज बुक बी लोस्ट, और सब्जेक्ट अनिल था तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय अनिल, तो ऑप्शन बी दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कैन हिज बुक बी लोस्ट बाय अनिल, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 2020 में आया था, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलना है, क्या है दोस्तों, वी मस्ट फेस द न्यू सिचुएशंस विद द क्रिएटिव माइंड, वी मस्ट फेस द न्यू सिचुएशंस विद क्रिएटिव माइंड, दोस्तों यहाँ पे मस्ट आ गया, मोडाल आ गया, तो मस्ट के साथ क्या लगेगा बी लगेगा, मस्ट के साथ क्या लगेगा बी लगेगा, दोस्तों आप देख सकते हो दोस्तों मस्ट के साथ बी कौन से ऑप्शन में लगा है, यहाँ पे तो दोस्तों मस्ट ही हटा दिया, नीड आ गया तो होगा नहीं, द यहाँ पे मस्ट के साथ बी नहीं लगाया ये भी नहीं होगा, यहाँ पे दोस्तों मस्ट के साथ बी है और यहाँ पे तो शुड आ गया दोस्तों ये भी नहीं होगा, तो ऐसे ही आप देख सकते हो दोस्तों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
यहाँ पे दोस्तों न्यू सिचुएशन सब्जेक्ट बनेगा, वी का क्या बनेगा दोस्तों अस, ये रहा दोस्तों, और विद ए क्रिएटिव माइंड लास्ट में आ जाएगा, और फेस का फेस्ड बनेगा थर्ड फॉर्म, तो सब कुछ इसी में है दोस्तों। न्यू सिचुएशन मस्ट बी फेस्ड बाय अस विद ए क्रिएटिव माइंड, ऑप्शन सी दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर दोस्तों 2019 में आया था, क्या है इसको, एक्टिव में हुआ तो पैसिव में बदलना है और पैसिव में हुआ तो एक्टिव में बदलना है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है ये एक्टिव में है या पैसिव में। ए वीक इज मेड ऑफ 7 डेज, तो इज के साथ दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमेशा किस में आती है दोस्तों, पैसिव वॉइस में आती है। तो ये हमारा पैसिव वॉइस में है, इसे किस में बदलना है दोस्तों, एक्टिव वॉइस में बदलना है। अब दोस्तों इज है, इज कब आता है दोस्तों, इज के साथ वर्ब की फॉर्म कब आती है, जब कोई भी एक्टिव वॉइस है जो वो किस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता है। अगर कोई एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता है उसे हम अगर पैसिव में बदलते हैं तब इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यानी हमें जो एक्टिव मतलब वॉइस यहाँ पे ढूंढना है दोस्तों वो किस में होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो दोस्तों यहाँ पे मेड है, मेड की जो सिंपल फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म वो होती है मेक, क्या होती है दोस्तों मेक। तो आपको देखना है मेक कहाँ पे आया है, इसमें दोस्तों मेक आया है, इसमें भी दोस्तों मेक आया है लेकिन इसमें नहीं आया है, तो ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन डी इन दोनों में से एक होगा। अब दोस्तों जो 7 डेज है वो आगे आ जाएगा, तो इसमें भी आगे है, इसमें भी आगे है, ए वीक पीछे आएगा, इसमें भी पीछे, इसमें भी पीछे है। अब कैसे पता चलेगा दोस्तों बी और डी में से कौन सा आंसर सही है, यहाँ पे देखो दोस्तों 7 डेज, 7 डेज क्या है दोस्तों, एक प्लूरल वर्ब, प्लूरल क्या है, सब्जेक्ट है, डेज लगा है तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो प्लूरल वर्ब कौन सी है दोस्तों, मेक, क्योंकि एस ई एस तो दोस्तों सिंगुलर, थर्ड पर्सन जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ लगता है, लेकिन 7 डेज क्या है, प्लूरल है, तो 7 डेज मेक ए वीक, 7 डेज मेक ए वीक, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव दोस्तों यहाँ पे ये इसमें क्या बदलना है, करेक्ट पैसिव फॉर्म आपको बतानी है, करेक्ट पैसिव फॉर्म कौन सी पैसिव फॉर्म आपकी बिल्कुल सही है वो आपको बताना है, और 2018 में दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है, डोंट सब्जेक्ट द एनिमल्स टू क्रुएल्टी, डोंट सब्जेक्ट द एनिमल्स टू क्रुएल्टी, तो दोस्तों इसकी आपको क्या बतानी है, पैसिव फॉर्म बतानी है, तो द एनिमल्स दोस्तों, एनिमल्स दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में है दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों डोंट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का दोस्तों थर्ड फॉर्म होती है सब्जेक्टेड, तो तीनों में दोस्तों सब्जेक्टेड है, ये भी सही हो जाएगा, सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी, सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी यहाँ तक भी दोनों सेम है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो डोंट सब्जेक्ट द एनिमल्स टू क्रुएल्टी, यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो विल नोट तो होगा नहीं, विल कब लगता है, जब किस में होता है दोस्तों ये, या तो यहाँ पे विल मतलब यूज होनी चाहिए जो मॉडल है, या फिर उसमें होना चाहिए फ्यूचर में, शैल भी दोस्तों यहाँ पे नहीं होगा, आर नोट दोस्तों क्या है, आर नोट बी, अब दोस्तों या तो होगा आर नोट बी या फिर होगा दोस्तों शुड नोट बी, अब दोस्तों यहाँ पे देखो आर नोट टू बी, आर नोट टू बी ये तो कोई बात नहीं बनी, तो ये तो दोस्तों इसका बिल्कुल भी नहीं होगा, द एनिमल शुड नोट बी सब्जेक्ट टू क्रुएल्टी, दोस्तों ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स दोस्तों ये 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, यहाँ पे दोस्तों एक सेंटेंस दिया हुआ है जो कि एक्टिव वॉइस में है, आपको इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस क्या है दोस्तों, वाज ही एग्जामिनिंग द पेशेंट्स, वाज ही एग्जामिनिंग द पेशेंट्स, दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाज लिखा हुआ है, तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी आगे वो या तो वाज आएगी दोस्तों, या फिर क्या आएगी दोस्तों, वर आएगी, क्योंकि पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है तो वाज और वर में से कोई एक आएगी। उसके बाद दोस्तों ही एग्जामिनिंग द पेशेंट्स, ही एग्जामिनिंग द पेशेंट्स, तो ही बनेगा दोस्तों हमारा ऑब्जेक्ट, और द पेशेंट्स क्या बनेगा दोस्तों, हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, द पेशेंट्स, द पेशेंट्स, तो द पेशेंट दोस्तों हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जामिनिंग, एग्जामिनिंग लिखा है दोस्तों, आई एन जी फॉर्म है, कौन सा सेंटेंस है दोस्तों, ये कंटिन्यू वाला कंटिन्यूस सेंटेंस है, किसका, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था जब भी आई एन जी हो तो हम बींग लगा देंगे, क्या लगाएंगे दोस्तों, बींग लगाएंगे, तो वाज और वर्ब में से क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे पेशेंट्स लिखा है दोस्तों, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, तो पेशेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो यानी दोस्तों वाज नहीं आएगा यहाँ पे, वर आएगा, वर द पेशेंट्स बींग। अब दोस्तों एग्जामिनिंग है, इसका जो मतलब थर्ड फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, एग्जामिन, एग्जामिन्ड, ई एक्स ए
MINED examined। तो ये बनेगी दोस्तों इसकी थर्ड फॉर्म। और ही का क्या बनेगा दोस्तों, बाय लग मतलब थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगता है। और ही का क्या बनेगा दोस्तों, हिम बनेगा। ही का क्या बनेगा दोस्तों, हिम। आपको पता है ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हिम होता है। तो क्या बना दोस्तों, वर द पेशेंट्स बींग एग्जामिन्ड बाय हिम। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, वर द पेशेंट्स बींग एग्जामिन्ड बाय हिम। तो ये आपका क्या बनेगा दोस्तों, इस सेंटेंस का एक्टिव का पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपको ये सभी क्वेश्चन करने हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको जितने भी मैंने रूल बताए हैं वो सभी याद रखने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको एक टॉपिक है बहुत ही और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।